शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जिले में एक रोचक मामला सामने आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से ठगी का एक आरोपी जमानत मिलने पर बाहर निकला। जैसे ही वह गेट से बाहर निकलकर रोड पर आया, तभी पूर्व से तैनात सदर थाना की पुलिस ने उसे दबोच लिया। गाड़ी में बैठाकर सदर थाना ले गए। वहां से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश कर फिर से जेल भेजने की कवायद की जा रही है। आरोपी रजनीश पांडे देवरिया का रहने वाला है। उसने बताया कि 3 महीने से वह जेल में था, जमानत पर बाहर निकला, फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जयपुर ओपी की पुलिस ने उसे ठगी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस पर 4.8 लाख रुपए गबन करने का आरोप था। प्रकाश कुमार ने FIR दर्ज कराया था, इसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं सदर थाना में वर्ष 2021 में उसके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बंदूक और पिस्टल का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 5.75 लाख रुपए ऐंठने का केस दर्ज हुआ था। दरोगा जैनेन्द्र झा ने बताया कि केस के IO मनोहर कुमार है। सूचना मिली थी कि वह जमानत पर बाहर निकल रहा है। दरोगा देवव्रत कुमार के साथ वे लोग जेल गेट के बाहर तैनात हो गए। जैसे ही आरोपी गेट से बाहर निकल कर आया, उसे दबोच लिया गया। उस केस में उसे जेल भेजा जा रहा है। 2021 में जो है एक केस मेरे यहाँ हुआ था, 78-21, इसी कांड में जो है रजनीश कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है। और ये ठगी का मामला है, 420 फर्जरी किया था, इसी में इसको शायद देवव्रत कुमार जी के द्वारा जो है गिरफ्तार कर इसको मनोहर जी, इसमें IO है मनोहर, वही जेल भेजा गया है इनको। क्या बोलकर पैसा लेते थे? इसमें बंदूक के नाम पर जो है लाइसेंस के नाम पर फर्जी जो है ये कहता था कि हम लाइसेंस बना देंगे, और इसी कंसर्निंग में जो है केस रजिस्टर हुआ था 21 में, और ये भागे फिरे चल रहा था और एक कांड में गिरफ्तार था। फिर सूचना मिली कि जो बाहर आ गए हैं, फिर इनको गिरफ्तार करके जो है। ये पहले जेल में ही थे? हाँ, जेल में था। और कब इनकी रिहाई हुई जेल से? ये तो नहीं मालूम है कि कब रिहाई हुआ, लेकिन कई कांडों में जो है इसमें कई कांड दर्ज है, और ये ठगी का काम बहुत दिनों से करता है। और जैसे प्रकाश में आया मामला कि 5-6 कांड इस पर दर्ज है, तो मेरे यहाँ 78-21 एक कांड था 2021 में दर्ज हुआ था, और इसी में जो है रजनीश कुमार पांडे की गिरफ्तारी हुई। इधर आरोपी रजनीश कुमार पांडे ने बताया कि बीते फरवरी माह में जयपुर थाना की पुलिस द्वारा उसे जेल भेजा गया था। कल शाम वह जमानत पर जेल से छूटकर जैसे ही बाहर आया, उसी दौरान सदर थाना की पुलिस ने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। वहीं आज पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है। 420 के ही मामले में गए थे। क्या मामला बताइए? भाई पैसे का लेन देन था। कितने कितने लिए थे? प्रकाश कुमार से। कितना ले रहे थे? 4,80,000। क्या बोलकर लिए थे? नहीं, वो लोग उन्हीं लोग का काम करते थे, जिस हिसाब से वो लोग अपना भेजता था वहाँ हम पैसा जाके दे आते थे। मेरे अकाउंट से पैसा लोग डालता था और बोलता था कि फलाने को इतना पैसा दे दो, उतने को पैसा दे देते थे। पहले कौन जेल भिजवाया था? पहले प्रकाश कुमार। अच्छा, आप जेल खट लिए हैं? कितना दिन खटे? 3 महीने। 3 महीने जेल हो गया जी। कौन थाना से जेल गए थे? जेल जयपुर ओपी से। फिर निकले कब, कैसे? कल ही निकले। कल निकले तो क्या हुआ? कल निकले तो गेट पर आए थे ये लोग, छाप लिया जेल गेट जी, पकड़ लिया जी। क्या बोले जी? चलो सदर थाना ले चलते हैं, तुम सदर थाना में तुम्हारे नाम पर। बड़ी खुशी खुशी आप निकले होंगे? जी बड़ी बहुत खुशी से निकले। फिर जेल जा रहे हैं? फिर जेल जा रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अफसोस हो रहा है? अफसोस तो होगा। करते क्या थे आप? हम तो अच्छी हैं, क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर का धंधा है मेरा, खेती बाड़ी अपना है, ट्रैक्टर वगैरह, हाँ ट्रैक्टर वगैरह सब अपना चलता है। हथियार हथियार अवैध तरीके से लोगों को दिलवाते हैं? जी नहीं, ये हमारा धंधा नहीं। कौन दिलवाता है जी? तो उसके बारे में हम कुछ आपको डिटेल्स नहीं बताएंगे, वो लोग वही लोग जाने किससे लेते हैं। क्या कौन लोग जानेंगे? कौन लोग जानेंगे जी? वही जो लोग अपना ये सब अथी करते हैं, हमारा इसमें कुछ प्रकार का ये नहीं। उनको तो आप जान रहे हैं ना जी? ना उनको, वो तो सर हमेशा थे कि बदल बदल के आदमी बदल बदल करके बोलते थे पैसा उसको दे दो उसको दे दो, हम देते थे। हम कौन बोलते थे पैसा लेन देन के लिए, इधर उधर करने के लिए? नाम उनका क्या है जी? नाम उनका यही जो भेजे हुए थे जेल, वही हेलो जी, पैसा जो किए हैं सर, पैसा जो डालते आपका थे। काम क्या था उसमें, क्या करते? हमारा खाली पैसा निकाल के दे देना काम था। किसको? आदमी को
जिसको बताते थे कि फलाना को पैसा दे दीजिए तो पैसा अधिकारी वगैरह को अधिकारी आम आदमी को कितना रकम आप देते थे मिनिमम 25,000 इस प्रकार से करके। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट मार्बल सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर कॉल 9934753333।